आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टेलीविजन एक्टर विवियन डीसेना के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में, जिन्हें स्पेशली जाना जाता है प्यार की ये एक कहानी, मधुबाला एक जुनून, शक्ति, अस्तित्व के एहसास की टीवी सीरियल से। तो अगर आप भी विवियन डीसेना के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। विवियन डीसेना का जन्म 28 जून 1988 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी माता एक हिंदू थी और उनके पिता एक पुर्तगाली क्रिश्चियन थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी माता एक एथलीट थी और उनके पिता एक फुटबॉलर थे, और वो भी फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी के बहुत बड़े फैन हैं। और अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 2013 में प्यार की ये एक कहानी की को स्टार वाहबीज डोराब जी के साथ उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी के 3 साल बाद ही 2016 में इन दोनों ने डिवोर्स के लिए फाइल भी कर दिया, और फाइनली 2021 में इन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2022 में इजिप्शियन जर्नलिस्ट नोरान अली के साथ इनकी शादी हो गई। इसके बाद इन दोनों की एक बेटी भी पैदा हुई। इसके बाद 2019 में इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि इस्लाम धर्म अपनाने से पहले ये एक क्रिश्चियन थे। अब हम बीबीएन डीसेना के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीबीएन डीसेना ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2008 में कसम से टीवी सीरियल के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने विक्की जयवालिया का रोल प्ले किया था, जो कि 2009 तक चली थी। इसके बाद 2010 में अग्नि परीक्षा जीवन की गंगा टीवी सीरियल में शिवम का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2010 से 2011 में प्यार की ये एक कहानी टीवी सीरियल में ड्यूअल रोल प्ले किया था, जिसमें उन्होंने अभय रायचंद्र और अभेंद्र सिंह का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2012 से 2014 में मधुबाला एक जुनून टीवी सीरियल में ट्रिपल रोल प्ले किया था, जिसमें उन्होंने ऋषभ कुंद्रा, केवल राम कुशवाहा और राजा कुशवाहा का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2015 में झलक दिखला जा के 8वें सीजन में एज ए कंटेस्टेंट भाग लिया, जिसमें उन्होंने 10th पोजीशन प्राप्त किया था। इसके बाद 2016 में फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी के 7वें सीजन में एज ए कंटेस्टेंट भाग लिया, जिसमें उन्होंने 5th पोजीशन प्राप्त किया था। इसके बाद 2016 से 2019 में शक्ति अस्तित्व के एहसास की टीवी सीरियल में हरमन सिंह का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2021 से 2022 में सिर्फ तुम टीवी सीरियल में रणबीर ओबराय का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2023 में उड़ारिया टीवी सीरियल में डॉक्टर सरताज सिंह रांधवा का रोल प्ले किया था। इसके अलावा कुछ और टीवी सीरियल में इनका स्पेशल अपीयरेंस रहा है, जैसे कि 2017 में नजर आए थे सावित्री देवी, कॉलेज और हॉस्पिटल टीवी सीरियल में। इसके बाद 2018 में उड़ान सपनों की टीवी सीरियल में, इसी साल 2018 में ही तू आशिकी जश्न ए इश्क टीवी सीरियल में, और इसी साल फिर से 2018 में बिग बॉस के 12वें सीजन में नजर आए थे एज ए गेस्ट। इसके बाद 2021 में ससुराल सिमर का के सीजन 2 में नजर आए थे। इसके बाद 2021 में फिर से बिग बॉस के 15वें सीजन में एज ए गेस्ट नजर आए थे। तो बीबीएन डीसेना की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर के जरूर बताना, और बीबीएन डीसेना की कौन सी टीवी सीरियल आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और कौन सी टीवी सीरियल में आपने सबसे पहले बीबीएन डीसेना को देखा था कमेंट में लिखकर के जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने इस तरह की बहुत सी वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है। तो जाइए उन्हें देखिए और इंजॉय करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में।